उस टाइम एक लड़की को देखा तो कैसा लगा और आज के दौर में एक लड़की को देखा तो कैसा लगा? बड़ा सीरियस क्वेश्चन है, तो उसका सीरियस जवाब देना पड़ेगा। 27 साल पहले मैं गा रहा था और आज कोई और गा रहा है। ये फिल्माया गया है राज कुमार राव जी पर और सोनम जी पर, बैकग्राउंड में ये गाना, और बहुत ही खूबसूरत गाना है। प्रोजेक्ट साहब यहाँ हैं जिन्होंने इसे कंपोज किया है, उन्होंने लिखा है। इट्स आई थिंक वन ऑफ द यू नो बेस्ट रेंडरेशंस, बिकॉज़ यू नो इतना खूबसूरत गाना था, इतना उम्दा गाना, इतना आइकॉनिक गाना, और फिर दोबारा उसे यू नो रेंडर करना बड़ा मुश्किल था। मैं इसे रीमिक्स बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे ये लफ्ज पसंद नहीं है। इसको यू नो कहीं ना कहीं उसे संवारने की कोशिश की, कुछ अलग करने की कोशिश की, और बहुत खूबसूरत है। कंग्रेचुलेशंस। तो डिफरेंस ये है, 27 साल पहले मैंने गाया था मनीषा जी के लिए और इस बार राजकुमार राव और सोनम जी के लिए। और बाकी सब चीज़ें हम लोग आपस में मिलेंगे और बात करेंगे, फिर भी चर्चा करेंगे। सोनम जी, आपसे सवाल था, अनिल सर का 40 साल पूरा हो चुका है इंडस्ट्री में और आपके 11 साल, तो जो आपका आप दोनों के बीच जो बिहेवियर रिलेशन है घर पे, तो उससे कितना अलग था शूटिंग के दौरान से? मैं पापा के घर पे 30 साल से रह रही हूँ, तो उनके 40 साल में, बट हमारी जो रिलेशनशिप है सेट पे प्रोफेशनल थी। ऑनेस्टली मैं बहुत डरी थी एक्चुअली पहले दिन सेट पे, आई वॉज वेरी नर्वस, आई नॉट स्लेप्ट द नाइट बिफोर, आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड आउट, एंड बहुत ही आसान सीन था, वो सीन है भी नहीं अभी फिल्म में, बट यू नो मैंने सीन किया, मेरा जो टेक था मैंने किया, और शैली ने एक या दो टेक में, एक टेक या दो टेक में हाँ कर कर बोला वेरी गुड, तो आई वाज लाइक तो उसके बाद फिर रिदम में हम पड़ गए, बिकॉज लाइक यू सेड इतने साल हम सेट पे रहे हैं कि वो अपने जहन में आ गया, रिदम में आ गया है। तो बट व्हाट वाज रियली नाइस कि जब हम ये शूट कर रहे थे, मेरी शादी की प्लानिंग हो रही थी, तो थोड़ा टाइम वहाँ वेस्ट भी हुआ, तो हम सेट पे बैठ के करते थे इन बिटवीन टेक्स, सो दैट वाज शैली हैड टू गो थ्रू दैट एज वेल। So I think in a way it was a godsend that we did this film together right before my wedding, because I don't know how we would have found the time to meet each other otherwise. Rajkumar ji, aapse Anil sir industry ke sabse energetic actor hai, sabhi jante hain, to aapka kya experience raha inke sath, inke sath pehli movie aapki? Dusri main bhi ekdam janta tha, और मैं सर के साथ पहले टाइम स्पेंड कर चुका हूँ, मैं उनको बहुत साल पहले भी मिला था, जब मुझे मेरा पहला नेशनल अवार्ड मिला था तो दिल्ली में सर मिले थे, और सर ने तब भी मुझे बहुत एनकरेज किया था, एंड इट वाज अ वाव मोमेंट फॉर मी। जब हमने साथ में काम किया तो मैं उनका जो डेडिकेशन है ना काम करने की, जो सोनम कहती एक क्यूरियोसिटी है, एक स्टूडेंट जैसे वो बिहेव करते हैं, वो एकदम ऐसे ही करते हैं, वो बहुत पैशन से काम करते हैं, जब तक परफेक्ट टेक ना मिल जाए करते रहते हैं, और कहीं इतना मुझे यू नो आई यूज्ड टू फील वेरी स्मॉल व्हेन यू कम एंड आस्क मी कि रात तुझे क्या लग रहा है, ठीक हुआ है, and you know that's his commitment towards his work. He has no ego when he's working, he wants to make things better every time. I think wo maine isse bahut seekha hai ki no matter aap kitne bade star ban jaye, kitne saalon se kaam kar rahe hain, but har film aapki ek nayi film hai, ek pehli film. Juhi ji, aapse sawal tha, kafi dinon ke baad main aap romantic film ka hissa bane, to itne dinon ke baad aap is film ka hissa bane, to kya kuch badlav aaya hai, kya kuch problem bhi aayi, koi samasya itne dinon ke baad? क्या कुछ बदलाव आया है कहा, क्या आई डिडंट गेट इट, आई एम सॉरी। काफी दिनों के बाद आप रोमांटिक फिल्म का हिस्सा बने, हां क्या कुछ बदला पहले फिल्म में? ओहो अच्छा, क्या कहूँ इसमें, क्या कहूँ मैं कि कितना बदलाव है। आई थिंक नॉट रियली, अ ग्रेट स्क्रिप्ट इज अ ग्रेट स्क्रिप्ट, और मैं सिर्फ इस बात पर खुश थी कि ये स्क्रिप्ट सुनकर कि यू नो विनोद जी ने और शैली जी ने मुझे मौका दिया है इस फिल्म में, दे हैव चोजन मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई वाज टू हैव अ फिल्म व्हिच आई कुड बी सो एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि मजा आता है एक एक्टर को
जब एक अच्छी स्क्रिप्ट सुनते हैं तो लगता है वाह अच्छी फिल्म बनेगी ये, तो इसमें जम के काम करो, तो दिल से जाते हैं काम पर. सो आई फील नथिंग रियली चेंजेस. आई फेल्ट दैट वे एंड आई रियली आई एंजॉयड सो मच. आई नो अनिल जी के साथ मैं सलामे इश्क के बाद अब काम कर रही हूँ, और सब पूछते हैं कि भी उनके साथ काम करने कैसा लगा आपको. ऑफकोर्स इट वॉज वंडरफुल अनिल जी. तब भी जैसे कि राजकुमार कह रहे हैं कि बहुत कमिटेड पहले भी होते थे, अब भी हैं, और उनका एंथुजियाज्म बिल्कुल जैसे एक ऊंचे ही लेवल पर रहता है सुर ऑल डे शाम तक. हम लोग गिर रहे होते हैं और अनिल जी फिर भी रेयरिंग वो होते हैं. मगर और बहुत बहुत मज़ा मुझे इस बात का आया कि आई वॉज ऑन द सेट्स विद राजकुमार एंड विद सोनू. इन यू नो देयर दिस जेनरेशन and to watch them, to observe how they work, what they are thinking, for me that was wonderful. Raj, hi.